हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के दो रूल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। आज जो है वो अपन रूल नंबर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं कि रूल नंबर जो थर्ड होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का वो किस तरह से होता है और उसको उसके द्वारा अपन कोई भी इक्वेशन को किस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, रूल नंबर थर्ड को लिखते हैं। तो रूल नंबर थर्ड जो अपना गिवन होता है इक्वेशन, जो होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होती है, जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसके अंदर जो फाइंड आउट करना होता है वो ये वैल्यू होता है कि वन बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। जब आप इसको सरल करते हैं, ठीक है, जब आप इस वैल्यू को सरल करेंगे तो ये किसका फंक्शन आएगा, एक्स का फंक्शन आए, देन ये क्या होता है रूल नंबर थर्ड के अंदर ये आता है। रूल नंबर थर्ड में अपने को ये फाइंड आउट करना होता है और ये अगर किसका फंक्शन आ जाए, अपना एक्स का फंक्शन आ जाता है, देन अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या डिफाइन हो जाता है, ई की पावर में एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाता है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन हो जाता है। और फिर जब जैसे अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पर इक्वेशन को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल नंबर थर्ड आई थिंक आपको समझ आया होगा, इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। रूल नंबर थर्ड में अपने को निकालना क्या रहता है, वन बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एस। अगर ये फंक्शन किसका आ जाए, अक्स का फंक्शन आ जाए, देन अपन इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, ई की पावर में एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने के लिए देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है और रिपीट होता रहता है, तो उसको देखते हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल अपना गिवन है यहाँ पे, एग्जाम्पल अपने को गिवन है एक्स की पावर फोर टू वाई प्लस टू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस टू वाई फोर माइनस टू वाई फोर माइनस फोर एक्स, ठीक है, डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वैल्यू क्या है अपने को यहाँ पे, ये जो है यहाँ पर एक इक्वेशन जो है वो अपने को गिवन है और इसको अपने को रूल नंबर थर्ड की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एम और एन की जो वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं। एम की वैल्यू अपने को गिवन है वाई की पावर फोर प्लस टू वाई और एन की वैल्यू गिवन है एक्स वाई क्यूब प्लस टू वाई की पावर फोर माइनस फोर एक्स, ये वैल्यू अपने को गिवन है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको पहले अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपने को डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, फोर वाई क्यूब प्लस टू, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी हेल्प से, ये डेल एम बाई डेल वाई आ गया। फिर डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपना वाई क्यूब माइनस फोर, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब इनको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, तो इनको घटाएंगे तो फोर वाई क्यूब प्लस टू माइनस वाई क्यूब प्लस फोर। देखिए यहाँ पे फोर वाई क्यूब है, इसमें से वाई क्यूब चला गया तो कितना बच गया अपना, थ्री वाई क्यूब बच गया और इधर टू, फोर और टू कितने हो गए, सिक्स हो गए। तो यहाँ से अगर मैं थ्री कॉमन निकालूँ तो बच जाएगा वाई क्यू प्लस टू, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आई है, अपनी डेल एम वाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर आई है। अब इसमें अपन किसका डिवाइड करेंगे,
इसमें अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पर वैल्यूज जो है उसको, उसमें अपन डिवाइड करेंगे m का। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अपना दो तरह से क्रिएट हो सकता है। जब अपन ने n का डिवाइड कर रहे हैं तब तो अपन डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x होगा, और अगर अपन m का डिवाइड कर रहे हैं तो डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y ये रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस, ये उल्टा है, ये उल्टा निकालेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना अपने को, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आई हुई है y क्यूब माइनस 4, और इसमें से इसको घटाना है तो अब माइनस 4y क्यूब और माइनस 2, यही तो आएगी। जब इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी उसको क्या लिख लेंगे, देखिए अपने पास बचेगा यहाँ पे 3 माइनस में 3 वाई क्यूब माइनस 6 ये होगा। तो माइनस के 3 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया वाई क्यूब प्लस 2, ये वैल्यू बच गई। और अपना m जो है वो क्या है, वाई 4 प्लस 2y, तो अगर इसमें से मैं अगर y कॉमन निकाल लेती हूँ तो क्या बच जाएगा, वाई क्यूब प्लस 2। अपने को डिवाइड किसका करवाना है यहाँ पे, इसका ही तो करवाना है, एम का डिवाइड। तो देखिए अब अपन एम का डिवाइड करके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे 1 बाई एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कितनी आई, माइनस का 3 वाई स्क्वायर प्लस 2, और इसमें डिवाइड होगा किसका, वाई स्क्वायर प्लस 2 का। तो जब डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर प्लस 2 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और अपना कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बाई वाई जो वैल्यू है ये यहाँ पर बच जाएगी। तो अगर ये y का फंक्शन बचा है तो यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन क्या रहेगा अपना, यहाँ पर y का फंक्शन बचा है तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आई एफ है वो क्या आ जाएगा, e की पावर में एफ वाई dy। ये फंक्शन किसका है, y का फंक्शन बचा है तो यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, y की रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसको वैल्यू रख के सरल करते हैं तो e की पावर में माइनस का 3 बाई वाई डिवाई, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर में माइनस का 3 log y, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई वाई क्यूब। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपने को पूरी इस इक्वेशन से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई क्यूब आया है तो 1 बाई वाई क्यूब को अपन डिवाइड करवाते हैं, तो वाई 4 प्लस 2y dx प्लस 1 बाई वाई क्यूब एक्स वाई क्यूब प्लस 2y 4 माइनस 4x dy इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, अपन सरल करेंगे और देखेंगे कि ये एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो जब अपन इसको सरल करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखिए जब इसको मैं अपन डिवाइड करवाएंगे तो बचेगा वाई, और यहाँ बचेगा 2 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 2 वाई माइनस 4 एक्स 4 एक्स वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0। अब एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करने के लिए अपन क्या देखते हैं, डेल एम बाई डेल वाई, तो डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं,
तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 बाई y क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, जब इसका करेंगे अपन डेल n बाई डेल x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 बाई y क्यूब, यही वैल्यू आ रही है। तो दोनों क्या आ गए अपने, सेम आ गए, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल m बाई डेल y इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x, ये आ गया। अतः अपन लिख सकते हैं, अतः है समीकरण है क्या हो जाएगी, यथातथ होगी, यानी एग्जैक्ट होगी। अब एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, देन अपन इसको क्या करेंगे, एम डी एक्स में चेंज करके वैसे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं वैल्यूज को, ये वाली हटा रही हूँ, यहाँ से अपने एम की वैल्यू कितनी है, जब इसको अपन सरल करेंगे, पहले एम डी एक्स निकालते हैं अपन, ठीक है। पहली वैल्यू क्या होती है, एम डी एक्स ही तो होती है, तो m की वैल्यू को रखो, कितना है, यही तो है y प्लस 2 बाई वाई स्क्वायर, इसका अपना क्या होगा, x की रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना, ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस 2 बाई वाई स्क्वायर, और इसके पूरे में इन मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि y तो क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट चलेगा अपना, और n की वैल्यू क्या है अपनी, यही है, इसकी हेल्प से अपन है। अब देखिए, अब अपने को निकालना क्या है, जो इंटीग्रेशन होता है उसमें n माइनस डेल वाई डेल वाई एम डी एक्स और इसका डिवाई, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू को रखकर सरल करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा अपना, इंटीग्रेशन में एन की वैल्यू रखते हैं, एक्स प्लस 2y माइनस 4x बाई y क्यूब, ठीक है। अब देखिए, डेल एम बाई जो डेल एक्स है उसका अपन डेल वाई की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो ही रहा है, प्लस का 4x y क्यूब आ जाएगा, और इधर क्या है, डिवाई। अब देखिए, ये दोनों वैल्यूज तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और अपना कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2y dy बच जाएगा। अब इसको जब अपन सरल करेंगे 2y dy को, तो कितना आ जाएगा अपना, y स्क्वायर आ जाएगा। तो अपना यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या लिख सकते हैं अपन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखेंगे सॉल्यूशन, अतः दी गई समीकरण का अभिष्ट हल, अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, देखिए पहला अपना डेल एम बाई डेल एक्स का इंटीग्रेशन ही लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाई प्लस एक्स वाई सॉरी वाई प्लस क्या था अपना, 2 बाई वाई स्क्वायर, और इसके इंटू में एक्स आया था, और जो दूसरी वैल्यू आती है वो यही तो लिखते हैं अपन इसकी पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और एक में आ जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा अपना, जो गिवन इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन रूल नंबर 3 की हेल्प से किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके अपन उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 3rd रूल को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।